अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 19, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रॉब्लम 39। वो कहते हैं किस टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वेयर स्पीड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, वो इक्वल हो जाएगी एस्केप्स की फ्रॉम द अर्थ। यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी हो जाए कि वो अर्थ की स्केप के बराबर आ जाए। फिर अगली चीज हमसे ये कह रहा है किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की स्केप स्पीड ऑफ मून के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से वो कह रहा है जो ए और बी में जो आंसर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अर्थ अपर एटमोसफेयर में 1000 केल्विन के पास, यानी जहाँ पे अपर टेम्परेचर होता है, किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, कौन ज्यादा होगा। तो पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन के लिए। पहले तो एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं। स्केप का टूल होता है 2gr, आरएमएस का स्पीड होता है 3rt/m, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब इक्वल का आ गया ना, तो अब यहाँ से इस दोनों साइडों का स्क्वायर लेके सॉल्व कर लेंगे। टेम्परेचर चाहिए तो बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर लेंगे। अब पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है इस टेबल से, बाकी सारे फैक्टर अर्थ के लिए लिहाज से जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ हम यहाँ से देख सकते हैं। देन आपके पास सारी वैल्यूज नाउन है, इसका में 1 × 10⁴ केल्विन आ जाएगा। इसी तरीके से यानी अच्छा खासा टेम्परेचर बन जाएगा। अब आप ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो ऑक्सीजन का आपको मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, तो उस सारे को सॉल्व करेंगे तो 32 के साथ आ जाएगा 10⁻³ kg/mol। इस सारे को सॉल्व कर 1.6 × 10⁵ केल्विन आ जाएगा, तो अच्छा खासा ये भी टेम्परेचर बनेगा। अब अगर हम यही कहानी मून के लिए करें तो अब हमें जी भी मून का लेना पड़ेगा, रेडियस भी मून का लेना पड़ेगा। अब जी जो मून का है वो हमारी जमीन के लिहाज से 1/6 होता है, और मून का जो रेडियस है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई अर्थ के मून का 1.74 × 10⁶ है, वो वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। अब सारी वैल्यूज बकिया तो वही रहेंगी, तो आपके पास 4.4 × 10⁻² केल्विन आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें ऑक्सीजन के लिए, मून के लिए तो 7 × 10⁻³ केल्विन आ जाएगा। अब वो बता रहे हैं टेम्परेचर हाई है अर्थ के एटमोसफेयर में, ग्रेटर सफिशियंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की है जो मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन में एस्केप करेगी, तो एटमोसफेयर डिप्लीटेड ऑफ हाइड्रोजन होगी। जबकि ऑक्सीजन में कुछ ही एटम जो है वो एस्केप कर पाएंगे, तो आप कह सकते हैं देयर शुड बी मच ऑक्सीजन हाई इन द अर्थ अपर एटमोसफेयर। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।